इनके अंदर ओटीसी कैटेगरी एंड डाइजेस्टिव कैटेगरी सारा इन्हीं के अंदर आता है। तो हमारे जो आइकॉनिक ब्रांड्स हैं जिसकी मेरे ख्याल से आप लोगों को बच्चे की जरूरत है, चाहे पुदीन हरा हो, चाहे अनीता सोप हो, चाहे हाजमोला हो, ये सब इन्हीं के अंदर आता है। मिस्टर लेनोय जी हमारे साथ हैं, हमारे सेल्स की टीम से उनका स्वागत है। अभी स्टार्ट करने से पहले अपने सर के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, कैसे फ्लो हम लोग किसको कैसे फ्लो कैसे करेंगे, आज बोला कैसे बताएं। तो मैंने सर को कहा कि सर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप मेरा बच्चे दे दो और मैं आपका बच्चे दे देता हूँ, बाकी आज मुला का तो मेरे को ही लगता है इस कमरे में जो लोग बैठे उनको परिचय की जरूरत है। लेकिन हमेशा एक नई चीज के साथ हमें आना पड़ता है, हमेशा निरंतर आगे बढ़ना पड़ता है। उसी क्रम में हम लोगों ने एक नया अपना प्रोडक्ट आप लोग के सामने रखा है, ताकि आप लोग उसको और आगे ले जाओ। डाबर के बारे में मैं दो लाइन और बोलूंगा, जैसे कि आप जानते हैं कि हम डाबर के बारे में मैं दो लाइन और बोलूंगा जैसे कि आप जानते हो हमारी शुरुआत जो है 137 ईयर ओल्ड कंपनी है, और हमें ये बोलते हुए भी खुशी होती है कि इसी शहर से हम लोगों ने अपनी शुरुआत की थी। हमारे जो फाउंडर थे डॉक्टर एस के वर्मा, उन्होंने कलकत्ता वेस्ट बंगाल से ही अपनी शुरुआत की थी। तो हम टोटली एक होम ग्रोन कंपनी है, आयुर्वेद हमारा सिद्धांत है और आयुर्वेद के बेस में ही हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, चाहे वो हाजमोला हो चाहे हनी टस हो। तो इसी चीज को जैसे हम पिछले भी हम लोग जब भी मिलते हैं हम आयुर्वेद से रिलेटेड ही बात करते हैं, ये थोड़ा डाइजेस्टिव कैटेगरी की बात है, थोड़ा फन वाली बात है। तो मैं उसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर अमित गर्ग जी को कि ये सर क्या है, इसमें क्या खूबी है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, जैसे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे इनिशियली, तो पहले तो मैं हाजमोला ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अभी हम लोग का करीब 300 करोड़ का ब्रांड बन चुका है आज की डेट में, और जैसे आप जानते हैं कि ये हम लोगों ने लॉन्च किया था हाजमोला 1970 में, तो आज ये ब्रांड करीब 50 साल पुराना हो गया है। और बंगाल ईस्ट हमारे हाजमोला के लिए एक सबसे बड़ी मार्केट है, लोग शौकीन होते हैं यहाँ खाने पीने के, और हाजमोले के चटपटे लोग होते हैं, चटपटी चीजें खाते हैं यहाँ पे लोग, तो इसीलिए ब्रांड हाजमोला भी यहाँ पे इतना बड़ा है। तो हाजमोला की शुरुआत हुई थी जैसे मैं कह रहा था 1970 में, हम लोग का सबसे पहले रेगुलर वेरियंट आता था जो हमने सबसे पहले लॉन्च किया था, लोग खाने के बाद पचाने के लिए हल्का, जिनको थोड़ा सा ज्यादा खाना हो जाता था उसके लिए लोगों ने शुरू किया पचाना, एक रेगुलर हर घर की जरूरत बनती गई। तो खाने के बाद एक हाजमोला की गोली खाना एक नेसेसिटी हो गई, लोगों को थोड़ा चटपटा पन्ने मिल जाता था, साथ में खाना भी हसन हो जाता था। फिर धीरे धीरे आया कि इस ब्रांड को हम लोग और बड़ा कैसे करें, इसमें फिर हमने वेरियंट्स लॉन्च करना शुरू किया। तो जो सबसे चटपटा वेरियंट था उसके बाद हम लोग आए इमली वेरियंट में। इमली ये था कि काफी लेडीज जो थी, फीमेल्स जो थी, उनको इमली का टेस्ट खट्टा टेस्ट बड़ा अच्छा लगता था, काफी मेल्स को भी ऑब्वियसली अच्छा लगता था, तो हमने हाजमोला में इमली का टेस्ट निकाला। तो उसका लॉजिक ये था कि लोग इमली को भी नमक के साथ खाते थे थोड़ा चटपटेपन के साथ, तो हाजमा साथ में इमली का खट्टापन साथ में चटपटापन, तो वहां से हाजमोला इमली आया। उसके बाद फिर हम लोगों ने हाजमोला में पुदीना लाया, पुदीना भी डाइजेशन के लिए पेट के लिए बहुत अच्छा होता था, तो वो भी एक अच्छा वेरिएंट बना। फिर आया कुछ सालों बाद हमारा हाजमोला अनार आना, तो मैं आपको यहाँ पे एक फोटो भी दिखा देता हूँ, हमारे सारे फिर हाजमोला अनार आना आया हमारा। अनार आना भी ऐसे था कि उसका टेस्ट लोगों को बहुत पसंद आया, लोग खाते थे नमक के साथ। फिर हमने हाजमोला चटपटी चटकोला लॉन्च किया, तो चटकोला का ये था कि कोला, लोग कोला भी नमक डाल के पीते थे, वो बहुत पसंद थे लोगों को, तो वो भी ईस्ट में बहुत अच्छा वेरियंट एक्सेप्ट हुआ। देन चटपटी हींग आया, और अब हम लेके आए हैं नया वेरियंट हाजमोला लिंकोला। अब इसमें जैसे आप लोगों के सवाल आ रहे थे कि क्यों ये वेरियंट हमने लॉन्च किया और क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड, हमने ये देखा कि लोग जो लिमका वगैरह पीते थे, लिमका में लोग मसाला डाल के पीते थे, तो लिमका का जो टेस्ट है उसके साथ चटपटा टेस्ट बहुत बढ़िया जाता था। तो हमने कहा क्यों ना हाजमोला, जो आज की डेट में चटपटा के साथ, जब भी चटपटा की बात होती है हाजमोला की बात जरूर होती है, तो हमने लिमकोला फ्लेवर को ही, जो लेमन जो ऑलरेडी लोग काफी डाइजेशन एसिडिटी होने पर लिमका पी लेते थे,
तो हमने कहा ये फिट भी बहुत अच्छा है, दोनों चीजें डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी हैं और टेस्ट में भी नंबर वन है। लिम्का में आप मसाला डाल के पीजिए, इतना बढ़िया टेस्ट आता है। तो वो हमने सेम टेस्ट हाजमोला लिम्कोला में निकाल दिया है। तो आप लोग प्लीज एक बार इसको टेस्ट कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट कि आप सैंपल्स आपको दें तो आपको टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगेगा। तो और प्लस इसके अंदर हाजमोला में जो जो चीजें जाती हैं, हाजमोला में हमारी 10 से 15 आयुर्वेदिक चीजें जाती हैं, अजवाइन, काला नमक, उसके बाद फिर आपका मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी पाचन के लिए होते हैं वो सब हमने इसके अंदर रखे हुए एज इट इज, जो हाजमोला रेगुलर में जाते हैं, साथ में लिम्का का टेस्ट है। तो खाने के बाद आप दो गोली खाइए, आपका पाचन भी बहुत अच्छा रहेगा, प्लस आपको वही लिम्का का लेमन का टेस्ट मिलेगा। तो दोनों चीजें आपकी सेटिस्फाई करेगा, आपकी टेस्ट जो कुछ मन करता है खाना खाने के बाद कुछ हल्का सा, बिकॉज आपके लोग मीठे से तो थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, लगता है इनको शुगर है या फिर थोड़ा मीठा नुकसान देता है, तो ये चटपटी दो गोलियां आपके मुंह का जो टेस्ट है वो एकदम चेंज कर देगा। तो आपको कुछ मिठाई या स्वीट्स खा के अपनी बॉडी को हेल्थ को हानि करने की जरूरत नहीं है। डाइजेशन है, आपको पता है मेरी डाइजेशन में खाना भी बचा देगा मेरा, और जो मेरे मुंह का माउथ का चेंज करना है मेरा टेस्ट किसी चटपटा चीज से, वो भी चेंज हो जाएगा। सो कंज्यूमर को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, जो डाबर हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोग देते रहें, वो इसके थ्रू एक हमारी कोशिश है कि हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट दें और बड़ा बने। दूसरा रीजन इसको लॉन्च करने का ये है कि जो जैसे मैं अभी बता रहा था आप लोगों से, कुछ लोगों से बात करते हुए कि कन्फेक्शनरी मार्केट जो टॉफी चॉकलेट्स इनकी मार्केट बहुत बड़ी है, तो हाजमोला अभी इस मार्केट में भी जाना चाहता है। बिकॉज अब ऐसा नहीं है कि जैसे हाजमोला सिर्फ लोग खाने के बाद नहीं खाते, हमने ये देखा है पिछले 4-5 साल में काफी कंज्यूमर की हैबिट्स चेंज हो गई हैं। अब लोगों का जैसे मैं ऑफिस में बैठा हूँ ऐसे, या आप लोग कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो एकदम से कभी कभी कुछ मन रहता है कि यार चटपटा खा के थोड़ा सा बोरिंग, मतलब मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। तो हाजमोला का ऐसा है कि इसका जब आप खाते हैं तो एक आपको हिट आता है अंदर से, एक थोड़ा सा आपको चटकाने का हिट आता है और आप एकदम जल जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और फिर से अपनी चीजों में लग जाते हैं। सो लोगों ने हाजमोला ऐसे ही खाना भी शुरू कर दिया जो हमने पिछले 4-5 साल में देखा है, तो उससे हमारा कंजम्पशन भी काफी बढ़ा है। ये ब्रांड पिछले 4 साल से 15% प्लस ग्रो कर रहा है अक्रॉस इंडिया, तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। इसी वजह से ये ब्रांड जो 5 साल पहले 180 करोड़ का था, इस साल हम लोग 300 करोड़ का देख रहे हैं, तो काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। और इसका रीजन ये है जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोग इसको कन्फेक्शनरी की तरह जब भी मन का टेस्ट करना है तभी खा लेते हैं। सो इस वजह से हमने 3 साल पहले चटकोला लाया था, अब हम लिम्कोला लेके आ रहे हैं ताकि जो लोग कभी भी खाना चाहते हैं वो लोग इसको खाएं। सो ये इसका रीजन था इसको लॉन्च करने का। इसको हमने अक्रॉस इंडिया लॉन्च कर दिया है, काफी अच्छा इनिशियल रिस्पॉन्स आया है हमें। अब बंगाल में भी इनिशियली आ गए तो प्लेसमेंट शुरू हो गया है। हमारे साथ निलॉय जी बैठे हैं सेल्स के, तो इन्होंने काफी अच्छा हर जगह पे हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो मतलब इसको करने में। और इसका हम लोग प्रचार भी अब शुरू कर रहे हैं। सैम्पलिंग हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट लीवर होता है, बिकॉज ऐसी चीजें जब लोग एक बार खाते हैं तब दोबारा खाते हैं, तो सैम्पलिंग भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे कभी स्विगी के थ्रू सैम्पलिंग करवा लेते हैं, कभी न्यूज़पेपर के थ्रू, कभी मार्केट में ट्रेन्स वगैरह में कराते हैं इसकी सैम्पलिंग, या एयरलाइंस में फ्री सैंपल्स दे देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट करें इसको। इसके लिए हमारे ऑल इंडिया में सेलिब्रिटी हैं, आप लोगों के यहाँ के बंगाल के, एक तो हमारे जमाई साहब हैं और एक बेटे हैं यहाँ के जो यहाँ जो इसका ऐड करते हैं। तो अभी चैटर्जी जो बंगाल की धरती के हैं वो इसमें हमने बंगाल के लिए लिए है, और अजय देवगन जी यहाँ की जमाई है काजोल जी के हस्बैंड, वो ऑल इंडिया की एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो उनका भी एक छोटा सा मैसेज है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। আমি নিজে অপেক্ষা করে আছি যে কবে এই লিমকোলা খাবো, কারণ আমি একদম কনফিডেন্ট অন্যান্য যে ভ্যারিয়েন্ট গুলো আছে হাজমোলার লিমকোলাও ঠিক ততটাই পপুলার হবে। কাজে অল দ্য বেস্ট টু হাজমোলা ফ্যামিলি ফর লিমকোলা, হাজমোলাতে লেমনের চটকা। হ্যালো এভরিওয়ান, I'm sure that I'm going to be successful. Wish you all the best in the launch of Hajmola Lekula. Hajmola Ben.
लोगों के आईपोलर फैमिली के बीच। सो आप लोग अपने क्वेश्चंस पे गए थे, क्वेश्चंस आपको आपने सर कैटेगरीज, सो वो डिफरेंट कैटेगरीज है राइट राइट बट इन द लॉन्ग रन So I think both will help each other in the long run, and obviously they are not competition because Limca people drink more for as a drink form, as for the cool and this, and Harmola Limcola is more for the changing taste of mouth. It's a tablet and that's a liquid. So I think both will help each other, but they will never be competing with each other.